प्रणाम दीदी। प्रणाम प्रणाम। आप लोगों के पास यदि कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं। पहली और दूसरी सूचना कि लास्ट में निष्कर्षण होगा। हनुमान ग्रंथ का इनिशिएशन होगा, तो जिनके पास भी अपना हनुमान ग्रंथ होगा रख लेंगे, लास्ट में इनिशिएशन करेंगे। जो नए लोग हैं उनका हनुमान तीन चार लोगों का आ चुका है तो हम लोग लास्ट में कर लेंगे। ठीक है, तो पहला जो सत्र होता है वो प्रश्नोत्तर का होता है, और ये बड़ी खुशी की बात है कि धीरे धीरे आप लोगों के सारे प्रश्न समाप्त होते जा रहे हैं। कोई प्रश्न आप लोगों के पास अब नहीं रहते हैं तो इसका मतलब है कि आप सिद्ध हो गए। तो यही प्रमाण होता है कि जब सारे प्रश्नों के उत्तर हमें स्वयं मिलने लगे तो हम सिद्ध होने लगे। सिद्ध होने का मतलब जो सिद्धिदात्री की अभी आप लोगों ने पूजन किया होगा। अध्यात्म में सिद्ध शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है, और बहुत बार हम लोग देखते हैं कि हमें सिद्धस्थ होना है, हमें सिद्ध होना है, इन चीजों में सिद्ध होना है। तो सिद्ध होने की पहली जो जांच है और पहले जो लक्षण है वह यह है कि हमारे जवाब हमें खुद मिल जाते हैं। जैसे ही आपको अपने जवाब खुद मिलने लगे तो इसका मतलब, आवाज मेरी जा रही है ठीक से कि नहीं जा रही है ना? हाँ जी, बहुत अच्छे से। तो जैसे ही आपको जवाब मिलने लगे खुद ही से और आपके पास कोई प्रश्न ना रह जाए पूछने के लिए, तो इसका मतलब है कि आप सिद्ध अवस्था में पहुंचने के प्रथम सीढ़ी पर चढ़ चुके हैं। तो आप लोगों को ढेरों ढेरों बधाई नवरात्रि की, दशमी की, और आप लोगों के स्वयं के सिद्ध हो जाने की। तो सारे सिद्ध लोगों के साथ मैं बैठी हूँ तो सभी को ढेर सारी बधाई। और आज हम लोग चर्चा करेंगे, आज महादशमी का दिवस है और महादशमी का दिन अपराजिता का दिन माना जाता है, जबकि श्री राम अपराजित रहे थे। उन्होंने अपराजिता और इससे पूर्व उन्होंने अपने युद्ध में अपराजित रहने के लिए अपराजिता देवी की आराधना की थी, माँ दुर्गा की आराधना की थी और अपराजित रहे थे। आज का यह दिवस है, आज की साधना, जो लोग एक छोटी सी भी साधना करते हैं अपराजित रहने का, वह जीवन में कभी भी असफल नहीं होते हैं। लेकिन शर्त यही है, अपराजित रहने की शर्त क्या है, कौन अपराजित रह सकता है? क्या एक छोटी सी साधना कर लेने से, अभ्यास कर लेने से हम अपराजित रहेंगे, या राम ने अपराजित रहने की कठोर साधना प्रारंभ से ही की होगी, जन्म से की होगी? जन्म से ही 14 साल का वनवास उन्होंने बहुत दिनों तक झेला। जन्म लेने के बाद भी उनके कर्तव्यों का एक बहुत भारी बोझ था जिसको उन्होंने संभाला। प्रथम पुत्र होने की जिम्मेदारी को उन्होंने संभाला। हमेशा उन्होंने अपने व्यक्तित्व में संपूर्णता दिखलाई और तब वो अपराजित रहे। उसके बाद भी, राजा होने के बाद, सारी सुख सुविधा होने के बाद, वो 14 साल बदमाश झेले। उसके बाद उनके सारे शिक्षण प्रशिक्षण के बावजूद फिर उन्होंने शक्ति का आवाहन किया, उन्होंने साधना की, यानी कि संपूर्णता में आपके पास सब कुछ होने के बावजूद आप जब तक साधक नहीं बनते हैं आप सिद्ध नहीं होते हैं, आप सफल नहीं होते हैं और आप अपराजित नहीं होते। यही है ना राम की कथा, हनुमान की कथा। आज राम और हनुमान का भी दिवस है, राम के बिना हनुमान नहीं और हनुमान के बिना राम नहीं, तो आज उनका भी दिवस है। और राम की कथा ही यही है, अपराजित रहने की कथा। यानी उनकी कथा जो शुरू होती है वह
जन्म से लेकर पुनः राजा के पद पर स्थापित होने तक विभिन्न संघर्षों के बीच अपराजित रहने की कथा है। और इस कथा से हम लोग सीख सकते हैं कि कैसे एक मनुष्य रूप में जब व्यक्ति राजा बनकर भी जन्म लेता है, संपूर्ण समृद्धि में भी जन्म लेता है, तो भी उसे संघर्ष करना पड़ता है और साधनाएं करनी पड़ती और तब वह अंततः उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। फिर भी उसके जीवन से संघर्ष खत्म नहीं होते हैं, लगातार किसी न किसी रूप में संघर्ष आते हैं और उन संघर्षों को पार कर कर आगे कर्तव्य के लिए, सामाजिक कर्तव्य के लिए, सांसारिक कर्तव्य के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। तो हम लोग आज अपराजित रहने की साधना की ओर कदम बढ़ाएंगे। अपराजित रहने की साधना आज हम लोग करेंगे और अपराजित रहने की शर्तों को समझेंगे। अपराजित रहने की दो से तीन ही शर्तें हैं, जिसको कि हम लोग न्यास योग के 10 महावाक्य के रूप में अपने जीवन में अपनाते हैं। वही 10 महावाक्य मूल रूप से दो या तीन रूप में आती है और वही हमें अपराजित रखती है। उस 10 महावाक्य को करने के बाद, जीवन में उतारने के बाद, हमारे जीवन में बचता क्या है? बचा रह जाता है हमारे मन में संशय, शक, और बचा रह जाता है हमारे मन में द्वंद्व। ये तीन चीज हमारे मन में बचा रहता है, शक, संशय और द्वंद्व। शक, संशय दोनों देखने में एक ही शब्द लगता है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। शक जो हम करते हैं, सीधा सीधा करते हैं, किसी पर सीधा आक्षेप लगाते हैं, और संशय जो संदेह मन में होता है, उस संदेह में और उस द्वंद में हम खुद अपने अंदर ही अंदर घूटते रहते हैं। अंदर ही अंदर हमारे मन में सैकड़ों सवाल चल रहे होते हैं, सैकड़ों कहानियां चल रही होती हैं, और वह हमारे अंदर नकारात्मकता को स्थापित कर दे। और जितनी लंबी चौड़ी हम साधनाएं कर रहे होते हैं, 10 महावाक्य को कुट कुट कर जीवन में उतारे होते हैं, और अंततः फिर क्या हो जाता है? वही ढाक के तीन पात, हम वही के वही गोल 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 घूमकर फिर वापस हम वही आ जाते हैं। तो यह तीन शब्द जो है हमारे जीवन से, जब इन तीन शब्दों को हम अलविदा कहते हैं, तब हमारे जीवन में अपराजित होने की दिशा मिलती है और हम अपराजित होने की ओर कदम बढ़ाने लगते हैं। अपराजित होना का मतलब किसी भी चीज से पराजित नहीं होना, हारना नहीं, चाहे वह किसी समस्या से हो, वह किसी दिशा दशा से हो, वह किसी विचार से हो, वह किसी समस्याओं से हो, किसी भी तरह की चीजों से। हारने की शर्त क्या है? कि आप शक में रहें, संशय में रहें, द्वंद में रहें। और अपराजित होने की शर्त यानी सफल होने के शर्त है कि आप शक, संदेह और द्वंद से ऊपर चल जाएं। किसी चीज की जानकारी लेना अलग है और शक और संदेह करना अलग है। आप जानकारी ले सकते हैं, आप बहुत जानकारी लीजिए, पूर्ण जानकारी लीजिए खूब, लेकिन जब उसमें प्रवेश कर जाइए, सारी जानकारी के बाद जब उसमें प्रवेश कर जाइए, तब फिर आपके पास शर्त यही है कि कुछ दिनों तक संपूर्ण समर्पण रहे। जब तक बिल्कुल नकारात्मक चीज स्पष्ट रूप में सामने ना आ जाए,
समर्पण रहे और अगर नकारात्मकता बहुत जबरदस्त रूप से सामने दिखे तो बिना आलोचना के वहां से अलग हो जाए। उस स्थिति में भी हमें वहां की आलोचना नहीं करनी है, शिकायत नहीं करनी है, क्योंकि हमने 10 महावाक्य में आलोचना नहीं करने का प्रण लिया है, तो हम आलोचना नहीं करें, हम हट जाएंगे, चीजों को छोड़ देंगे, नहीं पसंद आएगा तो, लेकिन किसी न किसी के लिए वो लाभप्रद हो सकता है, इसलिए हम आलोचना से परे जाएंगे। तो ये बहुत ध्यान हमें रखना होगा, बहुत जरूरी है इस पर विचार करना और समझना। तो चलिए हम लोग एक बार गुरु का ध्यान कर लें। गुरु सानिध्य में ही हम लोग यह सारी प्रक्रियाएं करते हैं और गुरु के सूक्ष्म संरक्षण में हम उच्चतम की प्राप्ति करते हैं। न्यास योग प्रणेता डॉक्टर बीपी साई गुरु जी और अखंड ब्रह्मांड में विचरण कर रहे सभी गुरु सत्ताओं का ध्यान करेंगे। बहुत सुंदर। और दोनों हाथ रगड़ कर आंखों पर रखेंगे। और धीरे से आंखों को खोलेंगे। यदि आंख खोलने में थोड़ी समस्या आ रही है तो पुनः हाथ रगड़ कर पुनः आंखों पर रखेंगे। संपूर्ण शरीर पर स्पर्श करते हुए धीरे से आंखों को खोलेंगे। तो ढेरों ढेरों शुभकामनाएं आप लोगों को जीवन में अपराजित रहने की, आनंद की, प्रेम की।